बिहार में राजनीति के कई प्रयोग देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके समानांतर पावर कॉरिडोर को कैसे हैंडल किया जाए इसका प्रयोग भी देखने को खूब मिलता है। इसी पावर कॉरिडोर को हैंडल करने को लेकर अचानक से सीएम नीतीश चर्चा में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने स्वजातीय मनीष वर्मा को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त परामर्श नियुक्त किया है, जो पटना में डीएम थे। अब इन्हें सीएम के किचन कैबिनेट में जगह मिल गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया था। इस मीटिंग में बिहार विकास मिशन के तहत मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी के पद के सृजन के संबंध में स्वीकृति दी गई थी। इस पद के बनाए जाने के बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। चर्चा हो रही थी कि सीएम नीतीश इस पद पर अपने स्वजातीय और कभी पटना के डीएम रहे मनीष वर्मा को ही सेट करने की तैयारी में है। आज इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। दरअसल इस खबर में पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा का जिक्र है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार के गृह जिले के रहने वाले 2000 बैच के आईएएस रहे मनीष वर्मा को सीएम के अतिरिक्त परामर्शी के रूप में तैनात करने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि मनीष वर्मा काफी विवादों से घिरे रहे हैं, लेकिन बिहार में इन्हें कई दिनों तक बड़ी जिम्मेदारी देकर रखा गया। कहा जा रहा है कि मनीष कुर्मी जाति के हैं और काफी तेज तर्रार हैं। बिहार के सीएम भी इसी जाति से आते हैं। 1 अप्रैल 1974 को जन्मे मनीष वर्मा साल 2000 में आईएएस बने थे। उन्होंने ओडिशा कैडर चुना था। मूल रूप से बिहार के नालंदा के रहने वाले मनीष को सबसे पहले कालाहांडी का सब कलेक्टर बनाया गया था। इसके बाद गुनपुर और रायगढ़ में ये एसडीएम के पद पर रहे। नौकरी के 5 साल बाद सबसे पहली बार इन्हें ओडिशा के मलकानगिरी जिले में डीएम बनाया गया था। यहाँ मनीष 3 साल तक डीएम रहे और फिर इनका तबादला कर दिया गया। 1-2 विभागों में रहने के बाद मनीष को अगले साल 2009 में बालेश्वर का डीएम बना दिया गया। 2 साल बाद यहां से भी उनका तबादला हो गया। साल 2012 में आईएएस मनीष वर्मा ने ओडिशा छोड़ दिया और वहां से इंटरस्टेट डेप्यूटेशन पर 5 साल के लिए बिहार आ गए। बिहार आते ही इन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई। इन्हें पूर्णिया और पटना का डीएम भी बनाया गया था। पटना के तत्कालीन डीएम डॉक्टर एन सरवन कुमार के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद मनीष को यहां का जिलाधिकारी बनाया गया था। ये बात लगभग 8 साल पहले 2014 की है। जब 5 साल की प्रतिनियुक्ति पूरी हुई तो इन्हें 1 साल के लिए और बिहार में डेप्यूटी किया गया। भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा 23 मार्च 2018 को इससे संबंधित पत्र जारी किया गया, लेकिन जब बिहार से वापस ओडिशा जाने की बात हुई तो मनीष ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया और इन्होंने नौकरी छोड़ दी। बिहार में प्रतिनियुक्ति के बाद ऐच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस लेते ही मनीष कुमार वर्मा को बिहार सरकार में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत कर दिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या अगले आदेश तक जो पहले पूरा होगा वे प्राधिकरण के सदस्य बने रहने की बात कही गई। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मनोनयन की अधिसूचना जारी की गई थी। बिहार में रहने के दौरान मनीष वर्मा कई अहम पदों पर रहे। पटना और पूर्णिया में डीएम रहने के अलावा इन्हें मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में भी तैनात किया गया था। साल 2017 से 2021 तक मनीष इस जिम्मेदारी को संभालते रहे। अंतरराज्य प्रतिनियुक्ति के आखिरी साल में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिव रहे। मनीष कुमार वर्मा को योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया था। इसके अलावा मनीष कुमार वर्मा के पास परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी और बिहार राज्य योजना पार्षद के सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तब नीतीश सरकार ने 1989 बैच के आईएएस अफसर और योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव रहे डॉक्टर दीपक प्रसाद का तबादला कर बिहार राज्य योजना परिषद के परामर्शी के रूप में तैनात किया गया था। अब चर्चा है कि मनीष कुमार वर्मा को सीएम नीतीश अपना अतिरिक्त परामर्शी नियुक्त करने जा रहे हैं। सूत्र इन्हें सीएम नीतीश के साथ 22 साल तक साये की तरह रहने वाले आईएएस चंचल कुमार का विकल्प बता रहे हैं। नीतीश के प्रधान सचिव थे और अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले गए हैं।